लाइट की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। तो जंगली जानवरों का डर नहीं लगता है क्या? जंगल हमने जानवर रात को मैं ये मुकाम बनाए मैं बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे आते हैं क्या जंगली जानवर वगैरह? खूब आते हैं। हम बाहर जाते हैं, जानवर अंदर बंद करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो खा लेते रात में जानवर आके। अच्छा, उसी से अपना घर खर्चा चलता है, इसलिए जानवरों को अंदर रखना पड़ता है। घर खर्चा तो उसके ऊपर ही है ना। उसी से चल रहा है अपना गुजारा। अब दीजिए मोरे कोई जंगल में कोई मजदूरी नहीं, कोई नहीं हो जाते खाने पीने का। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये गुड़ पकाता है तो वो अपना थोड़ा थोड़ा गुजारा हो जाता है। सही है, इसी से भाई खाने के लिए धान हो गया, पानी है ही, बाकी जानवरों से दूध वगैरह और ये से घर खर्च चल जाता है। बॉडी में करेगा मेहनत तो ये ऊन तो ये थोड़ा थोड़ा डैम था ये फूट गया, बारिश ज्यादा हो गया। अच्छा, तो सरकार को तजर्बा देती नहीं है पूरा सब किया दोनों। हाँ, ऊपर वाला ये तो इसके ऊपर गुजारा है इसके लोगों को। अच्छा, इस कुंड की वजह से ही है, कुंड के वजह से, तालाब से वजह से, तालाब से पानी, तालाब में पानी रोकते नहीं है सब, तालाब फूट गए। सरकार तजर्बा देती नहीं है बिल्कुल भी, दोनों तालाब फूट गए। तो दोस्तों ये है शेर गांव का एक अनोखा गांव, और यहां पे गेहूं की फसल होने के बाद में जो गेहूं निकाला जाता है वो बैलों द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पे जो ये चट्टान दिख रही है, इस चट्टान पे धान निकाला जाता है। ये अगले साल का ये पड़ा देखो, ये पिछले साल का बाबा बता रहे हैं कि ये बाबा कैसे निकालते हैं गेहूं से? बैल चला के ऐसे बांध के, गड़ा से बांध के आड़े आड़े घुमाते रहते, तो पैसे टूटते ये गो। अच्छा, तो उससे फिर एक कटा करके फिर उसको आवाज चलती है ना। हाँ हाँ, जब ऊपर करना पड़ता। अच्छा, ऐसे करके। हाँ, फिर वो ऐसे करके। अच्छा अच्छा, तो ये कचरा निकल जाएगा। हाँ, गेहूं गेहूं नीचे रहेगा। अच्छा, फिर उसको साफ सफाई करके कोठे में डाल। ठीक है, ऐसा करके कूद निकालना पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं वो जो गांव दिखाई दे रहा है वो शेर गांव के कुछ छोटे मोटे गांव है। हाँ, और ये सारे गांव है ना गुफा से बने हुए हैं, सभी में लोग रहते हैं, ये पूरा गाँव गुफाओं से घिरा हुआ है, देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ हम सबसे ऊंचाई की चट्टान पर बैठे हैं और यहाँ से हम उसका नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। शेर गांव, ये शहर का लोग इधर रहते हैं सब। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शेर गांव, और ये जो घर दिखाई दे रहे हैं आपको ये सारा शेर गांव है। तो इस प्रकार से दिखाई देता है शेर गांव। ये ना ये, हाँ ये आज से चक्की नहीं है इसलिए ये आटा पीसने की मच्छी लिए पड़ी है। अच्छा, हाथ वाली मशीन, चक्की हाथ वाली मच्छी लिए, इसको बोलते हैं गलती। ये देखो ये हाथ से पीना पड़ता है ऐसे चला चला के। अच्छा अच्छा, आटा डाल के। हाँ हाँ, लकड़ी का। हाँ हाँ, देख ऐसा नीचे आएगा एक ऊपर। हाँ, ये इसमें क्या है कि ये अंदर एक लकड़ी का फंसाना पड़ता है। अच्छा, एक इतना लंबा और ऐसे फसाना पड़ता है। हाँ, फिर ऐसा लकड़ी डाल के घुमाते हैं इसको, तब आटा ऊपर से यहाँ से गोल डालते हैं, मुड़की भर भर के डालते हैं इसमें, तो इससे गेहूं नहीं आटा पिसता है। आटा पिसता है ये। तो यहाँ मशीन पत्थर है, पत्थर का बना हुआ है, आगे अंदर घर बना है। और अभी हम जा रहे हैं एक गुफा में जहाँ घर बना हुआ है। निकाल निकाल के घर बनाया है। ये देखो खाना इधर पकवाते हैं, ताला लगा हुआ है, कुछ लोग बाहर गए वो माउंट आबू में कमाने के लिए। ये सौर पैनल भी उखाड़ गए क्या? सौर पैनल अंदर मछली है देखो, आटा पीसने। अच्छा, ये देखो सुआ कितना है। ये आटा पीसने की मशीन है, ये पुराना हमारे इसमें खीर करते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाई पड़ी है। ये कैसे लोगों ने लाई है, क्या किया है देखो, पुराने आम जी ने उसको भूठा उठा के लाए ये वाली।
ये मालपुआ कंडे की काली बाटी कहते हैं उसकी, ये तरी है, ये देखो कढ़ाई, ये बड़ी बड़ी है, ये कढ़ाई पहले इसमें रांधते थे सब। मेला होता कोई हमारे विवाह शादी होती तो उसमें, तो ये लोगों ने लाई कैसे ही, यहाँ जंगल के एरिया में लाई कैसे ही हूँ, ये भी बड़ी बात है। ये तो बड़ी समस्या इस गांव की, यहाँ पे कोई मास्टर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो यहाँ के बच्चे अभी भी कुछ अनपढ़ रह चुके हैं। मैंने देखा बड़े बड़े जो लड़के हैं वो नौवीं तक ही पढ़े लिखे हैं। तो इतनी दर्दनाक कहानियाँ हैं इस शेर गांव की। हमारे राजस्थान में एक अनोखा गांव है जहाँ एक साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, और शिक्षा के लिए शेर गांव में स्कूल तक नहीं है। तो बहुत ही बड़ी समस्या है इस गांव की। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका दोषी कौन है, गांव वाले हैं या फिर प्रशासन। अच्छा, तो देखो दोस्तों, भालू किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। ये पूरी चद्दर उखाड़ के फेंक दी खाने के लिए। इन्होंने गांव वालों ने बहुत जाप्ता कर रखा है, पत्थर रख रखे हैं, कांटे रख रखे हैं, फिर भी भालू ये सब तोड़ देते हैं, ऊपर चढ़ गए सब। तो ये देखो, ये है शेर गांव, राजस्थान का एक अनोखा गांव।